ભરૂચના રેલવે પ્લેટફોર્મ પર પોતાના 14 વર્ષના બાળકને છોડી તેનો પિતા ફરાર થતા ભરૂચ આરપીએફ દ્વારા તપાસનો ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર પશ્ચિમ બંગાળના 24 પરગણા જિલ્લાના નિસીવ ગામે રહેતા 14 વર્ષીય સંદીપ સરકારને તેનો પિતા રેલવે મુસાફરી કરી ભરૂચના રેલવે સ્ટેશન પર લેવા આવ્યો હતો. ત્યારબાદ કોઈક બહાનું કાઢીને સંદીપના પિતા તેને એકલો મૂકી ભાગી ગયો હતો. લાંબા સમય સુધી પિતા ન દેખાતા સંદીપે રડવાનું ચાલુ કરતા એક આરપીએફ જવાને નજરે ચડતા તેને પૂછપરછ કરતા હકીકતની જાણ થઈ હતી. આરપીએફ ભરૂચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર નિજમે સંદીપ પાસેથી તેના પિતાનો મોબાઈલ નંબર મેળવી તેના સંપર્કના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા. आज का सुबह के टाइम पे ये मुसाफिर खाना में टिकट विंडो के पास में एक बच्चा घूम रहा था, तो शंका होने पर हमने उससे पूछा, तो उसने अपना नाम बताया संदीप सरकार और पिताजी का नाम अनुतोष सरकार. तो हमने उससे पूछा भाई कहाँ से आप आए, उसने बताया कि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, निमिची स्कूल में पढ़ता है, निमिची में पिताजी के साथ में उतरा था और पिताजी इसको स्टेशन से बाहर कहीं ले जा करके छोड़ दिया. बोला तुम इधर रुको मैं आता हूँ. तो इसने फिर इंतजार किया काफ़ी देर वहाँ पर, लेकिन वो नहीं आए, तो वापस ही स्टेशन पर आया और अपने पिताजी को ढूंढ रहा था, ये इसने अपनी बताई. और पिताजी इसको गांव से लेके आया इधर. इसके बैग में इसके पास कुछ नंबर थे, तो उस नंबर पर हमने काफ़ी ट्रेस किया, तो कई नंबर थे, तो उसमें 2-3 नंबर से जवाब मिला. कोई तो फरीदाबाद का नंबर था, कोई बेंगलोर का था, एक नंबर मिला जो वो किसी लेडीज ने उठाया और उसने बताया कि ये मेरे पड़ोस में रहता है गांव का, तो उसके हिसाब से हम इसको घर के खबर कर रहे हैं. अभी हम ये तलाश कर रहे हैं, इसके जो नंबर मिले हैं उसके हिसाब से ट्रेस कर रहे हैं. अगर इसका सही पता घर का मिल जाता है, कोई इसका वाजिवास मिल जाएगा, तो हम इसको उसके घर पर छोड़ देंगे. अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर हम इसको चाइल्ड होम जो रहता है उसके अंदर हवाले कर देंगे, और वो जैसा भी चाहते हैं, फिर सरकारी संस्था है वो इसको घर पर छोड़ेगी, वो रखेंगे, जैसा भी करेंगे. अभी सैयद, S9 न्यूज़, भरूच.